कदूस मेहरबान अबदियत के बादशाह सलामती के शहजादे जिंदा आसमानी बाप मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ तो जो बहर का खालिक और मालिक हमारा जिंदा खुदांद खुदा है खुदा उन खुदा में मिन्नत करती हूँ तमाम लोगों के लिए जो खुदांद खुदा उन खुदा, जिन्होंने अपने आप को नशों में गिरा लिया है पेरे उन खुदा, खुदा दुनियावी मुसीबतों से मसाइल से रहाई के लिए उन्होंने नशे को मेरे खुदा खुदा लगा लिया है और उस नशे में मस्त होकर वो लेटे रहते हैं मेरे खुदा खुदा मैं ऐसे लोगों की रहाई चाहती हूँ खुदा सुबह जो नशे में गिर गए हैं जिनके अंदर नशे की स्पिरिट काम कर रही है खुदा खुदा उन्हें इस लांत स्पिरिट से छुटकारा दे मेरे खुदाम खुदा वो तुझ पर ईमान रखें कि सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा खुदा है जो हमें हर तरह की मुसीबतों से रहाई बख्श सकता है वो अपनी मुश्किलात को तेरे सामने रखें क्योंकि तूने कहा बोझ से थके मानदे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा खुदाوند खुदा हम तुझ पर निगाह करें हम तेरे पाक कलाम पर ईमान रखें और खुदाوند खुदा, खुदा तुझसे मांगते रहें यकीनन एक वक्त खुदाوند खुदा, खुदा तूने हर चीज का मुकरर किया है मेरे खुदाوند खुदा, खुदा तू तो जरूर अपने लोगों की सुनता है और उन्हें हर तरह के मसाइल से रिहाई बख्शता है तूने फरमाया कौन सी ऐसी चीज है जो हमें तुझसे दूर कर सकती है ना कोई मुसीबत ना तंगी वबा ना कोई बीमारी हमें तुझसे दूर कर सकती है खुदांद खुदा वक्ती तौर पर ऐसे लोग नशे में धुकर पड़े रहते हैं लेकिन खुदांद खुदा ये सुबह तो ऐसे लोगों के जिनों को खोल क्योंकि तूने क्या है नशाबाज मेरी बारगाह में दाखिल ना हो सकेंगे मेरे खुदांद खुदा, खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता आज मैं खुदा खुदा तेरे अगर दरखास्त करता मैं तेरे मिन्नत करती हूँ खुदा उन खुदा ये जब मेरे खुदा उन खुदा मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो नशों में गिरे हैं जो रास्तों में पड़े होते हैं मेरे खुदा खुदा उन उनकी हालत मुझे बड़ा तरस आता है मैं तेरे के मिन्नत करती हूँ यकीन जब तू भी ऐसे लोगों को देखता है तो दुखी हो जाता होगा क्योंकि खुदा उन खुदा तूने कहा जब तुम कोई बदिर गुनाह करते हो तो मुझे बार बार सलीब चढ़ने का दुख देते हो मेरे खुदा उन खुदा मैं दुर्घा करती सु तेरी पाक रूह जिसके अंदर तब्दील करने की कुवत मौजूद है खुदा हम तेरी पाक रूह ऐसे लोगों को टच करे करे खुदा खुदा वो शैतानी नशे से आजाद होकर तेरे नशे में गुजारें। तो तेरे नाम को जलाल देने के लिए गुजारे ये दुआ में पूरी दुनिया में मौजूद खुदा नशे के अटे खत्म हो जाए के नाम से यह शैतान का मनसूबा रद्द हो जाए पेरे खुदा खुदा और जो खुदा खुदा नशे कर रहे हैं पेरे खुदाम अपनी जिंदगी को तबाह किया और वजह से जिनकी औलादे जिनकी बीवियां जिनके शोहर खुदा खुदा नशे करने वालों के लिए वजह से परेशान है खुदा उनकी दुआओं को सुन और उनकी दुआओं का जवाब दे जैसे खुदा खुदा कलाम पाक में लिखा है कि वो आदमी जिसके अंदर लश्कर था और पहले खुदाम खुदा वो कब्रिस्तानों में रहता था उजाड़ जगहों में रहता था तो खुदाम खुदा उसके पास चला गया और खुदाम खुदा उसके अंदर शैतानी कुफ्ते बोलने लगी कहने लगी कि ऐ ये सुनासरी तुझे हमसे क्या काम वक्त से पहले हमें तंग ना कर मेरे खुदाम खुदा तूने उस पर रहम किया और खुदाम खुदा उसे उन बदरुओं से आज़ाद कराया उस लश्कर से आज़ाद कराया खुदा मैं मिन्नत करती हूँ आज भी जो खुदाम खुदा नशों में गिरे हैं, आज भी तेरे अंदर वही ताकत है तेरे अंदर वही कुवत है यकीन खुदाम खुदा वो आदमी जिसके अंदर लश्कर मौजूद था जो नशों में हर तरह की बुराइयों में गिरा था पहले खुदाम खुदा उसके पीछे कोई ना कोई दुआ जरूर करता होगा और तूने उसकी दुआ को सुना और खुदा तू खुद चलकर उनके पास चला गया खुदा खुदा मैं भी मिन्नत करती हूँ खुदा ये सुबह दुआ करती है ऐसे लोगों के लिए मेरे खुदा खुदा अपनी पाखरू को अंडेल अपने पाखरू को अंडेल खुदान ये सुबह अपना मशा उन पर खुदा अंडेल और उनकी जिंदगी को तब्दील कर दे क्योंकि तू तब्दील करने की कुत रखता है ये उनके अंदर नशे की तलब खत्म हो जाए उनके जिस से नशे का असर खत्म हो जाए तेरा पाक लहू उनके राग राग में दौड़े खुदाम ये सुबाब पर रेख खुदा ताकि जिन्हें देखकर लोग नफरत करते हैं जिनके लिए बुरे बोल बोलते हैं कि ये नशे ही हैं, ये नशा करते हैं ये टोलियां बना बना कर बैठते हैं ओ मेरे खुदा खुदा तू ये ऐसे लोगों के मुंह को बंद कर और खुदा उन खुदा जलाली काम कर जलाली काम कर बदल दे जिंदगी को तब्दील करते खुदा यबाब अपने जलाल को साइद कर मेरे ये पहुदाउन खुदा बड़े मोयजार रुन कर ये सुबह तू आजाद कर आजाद कर प्यारे खुदा खुदा मैं ना सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुदा खुदा जहाँ कहीं नशे के अड्डे हैं वो अड्डे खत्म हो जाए जहां कहीं नशे किए जा रहे हैं खानदान के खानदान तबाह हो गए हैं क्योंकि एक नशा बाज के पीछे जो उसका पूरा घराना होता है वो भी परेशानी में गिरता है वो मेरे खुदाउन खुदा उसकी वजह से दुख और मुसीबत में रहता है मेरे खुदाउन खुदा यसु तू आजाद कर आजाद कर ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके घरानों को इस दुख से रहाई बख्श पेरे खुदाम खुदा जो कि खुद भी पेरे खुदा दुनिया में शर्मिंदा और जलील होते हैं और उनके घराने भी खुदा खुदा उनकी वजह से जलील किए जाते हैं उन्हें लोग तरह तरह की बातें करते हैं पेरे खुदा खुदा यसुबाप तू रहम कर और बड़ा मुआजा कर यसुमसी के नाम से यसुमसी के नाम से पेरे खुदांद खुदा इस मुआवजे को सो फीसद ईमान के साथ रिसीव करती हूँ और इस ईमान के साथ आमीन करती हूं क्योंकि तूने क्या तू आमीन ना करने पाएगा मैं तेरी सुन लूंगा मैं आमीन करती हूं जो कुछ मैंने मांगा है सो पाली है यह सुमसी के पाग जलाली नाम के वसी से आमीन